क्या कहना चाहेंगे आज आपके फिल्म का म्यूजिक लॉन्च हुआ, कहते हैं मौका भी है दस्तूर भी है, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूँगा सर कि जो मैंने मेहनत की है, जो मेरी टीम ने मेरे साथ में सपोर्ट किया है, जो सबका प्यार मिला है मुझे इसको चलते हुए, उस सब का फ़ायदा बस यही है कि आप एक बार इस फिल्म को देखें और उसको आशीर्वाद दें और मुझे बताएं कि मैंने क्या किया है। मुझे इतना वादा मैं करता हूं कि आपको निराशा नहीं मिलेगी इस चीज़ से। अगर ये तीन लड़कों की बात करें तो समझ में आ रहा है, जैसे खबर आई है कि ये त्रिमूर्ति है आने वाले दिनों में, क्या कहना चाहेंगे? आपने क्या देखा इनके अंदर और इनको लेने का आपने फैसला किया? सर बस मेरे को ये था कि मैं नए लोगों के साथ एक फिल्म बनानी है। मैंने ज़्यादा ऑडिशन भी नहीं लिए, मुझे मिले लड़के। एक्चुअली मैं जिस कॉलेज में शूटिंग किया था मैंने उसी कॉलेज से तीन लड़के उठाए हैं और तीनों काफ़ी लड़कों में से मुझे तीनों लड़के अच्छे लगे और इनकी मेहनत देखते हुए मुझे लगा कि नहीं ये लोग कुछ कर सकते हैं और मतलब बिल्कुल फ्रेश होने के बावजूद भी इन्होंने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत की और इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया मुझे कि मैं बहुत सेटिस्फाई रहा हूँ तीनों से। तो मैं कह सकता हूँ कि नहीं इन लोगों में लगन है और ये बहुत आगे तक जाएंगे। अगर बात करें कि पूरी फिल्म करते समय सबसे ज़्यादा किसने परेशान किया तीनों में से? नहीं मुझे तो खैर तीनों ने नहीं था परेशान किया, मतलब परेशान मतलब कुछ ऐसा सीन था कि वहीं हॉस्टल में रहते थे, हम लोग भी वहीं रहते थे, कॉलेज भी वहीं था पूरा, तो हम लोग मतलब तंग किसी ने नहीं किया इस बात में, मैं कहता हूँ तीनों ने। सर बात करें कहानी के बारे में, दर्शकों को जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की ये कहानी है। मैं चाहूँगा ये चूज किया, मैं चाहूँगा ये कहानी हमारे राइटर थोड़ा सा कुछ बताएं राइट कहानी के बारे में, बाकी चूज़ क्यों किया फिर मैं बताता हूँ। सर बताइए क्या है ये कहानी के बारे में, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की कहानी है? और ये एक युद्ध की कहानी है और तीकड़ी हमारे बॉलीवुड में काफ़ी हिट है। तीन जो लड़के चलते हैं वो तीकड़ी हमारे बॉलीवुड में काफ़ी हिट है और ये युद्ध के लिए है कि आजकल सोच समझ के चलते एक भटक जाते हैं, कोई एम नहीं फाइनल करते, टारगेट फाइनल नहीं करते, हमें क्या करना है क्या बनना है, तो उसमें कुछ भी है समझ में, कुछ मस्ती में आपका टाइम निकल जाता है। लेकिन आप जब आपका टाइम निकल जाता है तो आप पीछे मुड़ के देखते हैं कि वो टाइम तो हमने निकाल दिया, अब क्या करें। लेकिन एक बार उनको जाके एहसास होता है कि हाँ यहाँ पे हमें कुछ करना चाहिए, या उनसे कुछ होता है, क्योंकि क्या होता है कुछ होते हैं हरकतें लेकिन कुछ होते हैं इंसान का नेचर, जब वो नेचर निकल के आता है तो उनका व्यक्तित्व निकल के आता है। तो यही हमारे तीनों बंदों में है कि जो तीनों नेचर वाइज बहुत अच्छे हैं और वहीं उनकी चीज़ को जो मेडिकल करते हैं, एक टाइम पे उन्होंने इंसानियत दिखाई और उनको पता चला असली एम तो हमारा यही है, डॉक्टरी का पैसा तो जान बचाना है, तो वो चीज़ उनको समझ में आई और ये चीज़ हमने पेश की है। आजकल चाहिए इंटरटेनमेंट वही चाहिए, उसके साथ अगर हम मैसेज देने में भी कामयाब हो जाएँ तो ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी। सर मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरी फिल्म, देखो सभी कहते हैं मेरी फिल्म सबसे बेस्ट है, मैं भी कहूँगा मेरी फिल्म बेस्ट है, बेस्ट स्टोरी है, कुछ अच्छा नया देखने को भी मिलेगा। मतलब कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता हूँ कि असली चीज़ तो वही है कि लास्ट के 10 मिनट में जो देखने को मिलेगा तो दर्शक को लगेगा नहीं यार ये कुछ नया हटके है और कुछ अच्छा मजा आया।